बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? तो आज मैं आप लोग के साथ मटन स्टू की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, मैं तो ये मटन में बना रही हूँ, लेकिन आप लोग इसको बीफ में भी बना सकते हैं। चलें अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा कप ऑयल गर्म होने रखा था, ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें मैं डालूँगी ये मटन का गोश्त। मटन मैंने लिया है 1 किलो। थोड़ा हम गोश्त ऑयल के अंदर डाल के इसको थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि गोश्त का जो कच्चा पन है वो ख़त्म हो जाए, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। थोड़ा गोश्त में भून लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी चीज़ें हम बाद में डालेंगे। गोश्त हमारा अच्छे से भून चुका है। अब जितना क्वांटिटी हमारे पास गोश्त की होगी, तकरीबन 1 किलो ये मटन का गोश्त है, उतनी ही हमने प्याज लेनी है। तो ये सारी प्याज मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ, और प्याज को अच्छे से थोड़ा फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज और गोश्त अच्छे से सोते हो चुका है। अब इसके अंदर हमने मसाले ऐड करने हैं। 1 टेबलस्पून भर के इसमें डालेंगे कुटा हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून डालेंगे अदरक, अदरक भी इसी तरह जुलियन कटी हुई है। अब हम डालेंगे इसमें साबुत गोल वाली मिर्चें, 3-4 जो है मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी इस तरह कट कर लिया है। 1 चम्मच भर के लेंगे मिक्स गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला है ये। 1/2 टीस्पून लिया है मैंने कुटा हुआ साबुत धनिया जो होता है, और 1 टेबलस्पून लिया है पिसा हुआ धनिया। 1/2 टीस्पून ली है ये कुटी हुई लाल मिर्च। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मैं अभी यहाँ पे 2 टीस्पून डालूँ। 1 टीस्पून भर के मैंने तकरीबन नमक का इसमें डाला है। थोड़ी सी डालेंगे इसमें हल्दी। 3 लिए मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर। 1 गिलास के या 2 गिलास के करीब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी बस हमने इतना डालना है कि हमारा जो ये मटन है ये अच्छे से गल जाए। तो अब इसको मैं कवर करके और पकने के लिए रखती हूँ, जब तक हमारा ये गोश्त टेंडर हो जाता है। तो चलें इसको पकने देते हैं, और फिर जब गोश्त हमारा पक जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी जो हमारा प्याज गोश्त है ये देखें, ये पक चुका है, पक रहा है अच्छे से, और गोश्त हमारा टेंडर हो गया है। प्याज वगैरह सब सॉफ्ट हो गई है, सालन की ये कंडीशन आप देखें। अब इस स्टेज पे हमने इसके अंदर 1/2 कप डालनी है दही। दही को अच्छी तरह से फेंट के और इसमें दही डाल देते हैं। अब इसकी हमने करनी है भुनाई। तो बस ये दही डाल के मैं इसकी खूब अच्छे से भुनाई करती हूँ, थोड़ा भुन जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सालन हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब लास्ट में मैं इसके अंदर हरी मिर्च और अदरक ऐड करूँगी, और 1/2 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, और इसको मिक्स करेंगे, और हमारा ये मज़ेदार सा प्याज गोश्त रेडी हो चुका है। चलें अब मैं इसको करने लगी हूँ डिश आउट। फ्लेम मैं इसका ऑफ कर रही हूँ।